सच्चाया सामने तो हंस पड़ी प्रियंका। आखिरकार क्या है सच, चलिए आप लोगों को बताते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस अंकित तो अभी घर में नहीं है और ज्यादातर समय जो है प्रियंका शालिन विकास और टीना के साथ बिता रही है, क्योंकि इनकी अच्छी बॉन्डिंग जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रही है और शालिन भी बहुत अच्छे दोस्त जो है बनके दिखा रहे हैं। उनकी दोस्ती मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, हालांकि मुझे बंदा ये पहले पहले पसंद नहीं था, बट अभी जो है पता चल गया कि ये बंदा कैसा है। तो वहीं पर आज जो है शालिन और विकास में कुछ अनबन हुई है, वो भी चाय को लेके, जहां पर शालिन जो है विकास को बोल रहे थे कि चाय बना दे या चाय देख ले, तो वहां से विकास चले गए और उसके बाद इनके बीच में काफी ज्यादा बहस हुई। उसके बाद शालिन जो है रूम नंबर फोर में बैठी हुई जो प्रियंका है उसको जाके बताते हैं कि ऐसा ऐसा करके विकास के साथ हुआ, वो मेरे ऊपर चढ़ रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, मैं उसका काम कर देता हूँ, वो मेरा काम नहीं करता। तो काफी सारी बातें जो है प्रियंका को सुनाई और वहां से शालिन चले गए। फिर विकास वहां पर आए और टीना वहां पर आई, तो विकास अपनी तरफ की पूरी कहानी सुनाने लगे कि देख मैंने ऐसा ऐसा करके किया था, ये बंदा बहुत ही ज्यादा भड़कने लग गया। जहां पर प्रियंका को जो है विकास की भी साइड की एक कहानी पता चली, तो वहां पर प्रियंका इतनी ज्यादा हंसने लग गई और बोल रही कि ये सखी इसीलिए मेरे पास आया था और मेरे पास ही बैठा था कि तू मेरे पास ना आ जाए और मुझे दूसरी तरफ की कहानी पता ना चल जाए कि कौन सही कौन गलत है। जहां पर ये तीनों हंसने लग जाती हैं और उसके बाद जो है ये बात जो टीना है वो ये बात बोलती है कि ये पगलू है, कुछ भी करता है। तो जहां पर प्रियंका समझाती है कि भाई ये छोटी मोटी अनबन होती है, एटलीस्ट कर लो, बातचीत कर लो, तुम्हारी अच्छी दोस्ती दिखती है। जहां पर बोलते हैं कि भाई हमारी दोस्ती टूटी भी थोड़ी ना, ऐसे होता रहता है, वो तो चल कॉमन है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।